वाक्य विचार है ना, अपना हेडिंग जो चल रहा है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार में मैंने पढ़ी वाक्य की परिभाषा और वाक्य के तत्व। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग का मतलब कि वाक्य किन से मिलकर बनता है, वाक्य के कौन कौन से अंग है। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, दो प्रमुख अंग है। अब वाक्य के दो प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। नंबर एक है उद्देश्य, उद्देश्य, और नंबर दो है विधेय, विधेय। ये दो प्रमुख अवयव है। अब अपन जो सेंटेंस बना होता है, जैसे अपन ने पढ़ा वाक्य क्या है, वाक्य एक सार्थक शब्दों का समूह है। तो जो सेंटेंस अपने सामने है उस सेंटेंस में उद्देश्य और विधेय दोनों ही होते हैं, है ना, तभी तो वो वाक्य के अंग हो गए। अब उसमें कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ अपन पढ़ेंगे कि वाक्य के जो दो प्रमुख अंग है ना, अपन ने पढ़े कि वाक्य के दो प्रमुख अंग है। दो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। सामान्य वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, अपन पढ़ेंगे यहाँ उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं उद्देश्य की परिभाषा, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, अब उद्देश्य शब्द से हम जानते हैं तब कि प्रमुख जो होगा उसमें, यानी वाक्य में जो प्रमुख होगा इसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है। यानी उद्देश्य अपन किसे कहते हैं, उद्देश्य क्या होता है, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जा रहा है, यानी जिसके संबंध में वाक्य में कहा जा रहा है वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य ही वाक्य का कर्ता होता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं उद्देश्य को ही वाक्य का कर्ता कहते हैं। उद्देश्य उदाहरण
मेरा घर चली गई। ये सेंटेंस आपके सामने कि मीना घर चली गई। अब यहाँ मीना घर चली गई, मीना के संबंध में कहा जा रहा है कि वो कहाँ चली गई, घर चली गई। तो मीना क्या हो गई, उद्देश्य है ना, क्योंकि मीना के संबंध में सेंटेंस में कहा जा रहा है। और मीना के संबंध में क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि वो घर चली गई। तो यहाँ मीना क्या हो गया, मीना क्या है, उद्देश्य। और इसके संबंध में क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस आपके सामने, सेंटेंस में मीना के लिए कहा जा रहा है कि वो घर चली गई। तो यहाँ जिसके लिए कहा जाएगा है ना, इसमें क्या है, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाएगा, किसके संबंध में कहा जा रहा है, मीना के संबंध में कहा जा रहा है। तो मीना क्या होगी, उद्देश्य है ना, क्योंकि इसके संबंध में क्या कहा जा रहा है कि वो घर चली गई। अब कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, यानी जो उद्देश्य होता है वही कर्ता होता है। यहाँ कर्ता कौन है, मीना। ये चीज आपको समझनी होगी कि जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, वाक्य में किसके संबंध में कहा जा रहा है, मीना के संबंध में कहा जा रहा है कि वो घर चलेगी। तो मीना के संबंध में जो कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, मीना क्या है, उद्देश्य। और इस उद्देश्य के संबंध में क्या कहा जा रहा है कि वो घर चलेगी। तो कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वो क्या होगा, घर चली गई। यहाँ क्या है, घर चली गई, ये क्या है, विधेय। क्या है ये, विधेय। ठीक है, यानी जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाता है, इसके संबंध में वाक्य में कहा जा रहा है, जिसके संबंध में कहा जा रहा है वो है उद्देश्य, और उसके संबंध में क्या कहा जा रहा है वो है विधेय। तो कर्ता यहाँ मीना है और उसके संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है वो है विधेय। तो ये है आपके वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, और विधेय वो होता है, उद्देश्य जो है उस उद्देश्य के लिए वाक्य में जो कहेंगे। यानी कर्ता वो है जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाएगा वो कर्ता है, और कर्ता के लिए क्या कहा जाएगा, जो कहा जा रहा है कर्ता के लिए वो है विधेय। ठीक है, तो ये दो आपके वाक्य के अंग। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य यानी वाक्य के तीन अलग अलग प्रकार, तीन प्रकार हैं, तो अपन उन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आपके देखो वाक्य में जो अपने आपके सिलेबस है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि वाक्य में जो रचना के आधार पर वाक्य है, यानी रचना के वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से किया जाता है। तो आपके जो है वो रचना के आधार, यानी वाक्य को दो प्रकार से बांटा गया है, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। हम पढ़ लेते हैं, बोर्ड पर मैं आपको समझा देती हूँ। आपके सिलेबस में सबसे पहले आपको जो वाक्य विचार है, वाक्य विचार में हमने पढ़ा वाक्य के तत्व, वो आपको पढ़ने हैं। वाक्य के तत्व के बाद में है वाक्य के अव्यय, यानी इसके अंग। अंग अपन ने दो पढ़े, उद्देश्य और विधेय। तीन के बिना तो वाक्य पूर्ण नहीं है। एक सेंटेंस आपके सामने, उस सेंटेंस में उद्देश्य और विधेय और बिना तो वो पूर्ण नहीं होगा। तो ये आपके उद्देश्य। इसके बाद में है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य को दो प्रकार से बांटा गया है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अब आपके सिलेबस में रचना के आधार पर जो वाक्य का प्रकार है उसका पार्ट बहुत कम है, यानी एग्जाम में उसका पार्ट बहुत कम आना है, तो हम उसको शॉर्ट रूप से पढ़ लेंगे। उसके बाद अर्थ की दृष्टि पर पहले मैं आपको समझा दूं कैसे है। आपके हैं वाक्य के भेद, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ वाक्य के भेद। तो वाक्य को दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर, पहला है आपके रचना
आधार पर है ना, और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अब देखो रचना क्या होती है, वाक्य की जो लिखावट है ना, वाक्य के कौन कौन से शब्द का उसमें प्रयोग है किस रूप से, और अर्थ की दृष्टि का मतलब कि जो उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पहले आता है रचना के आधार। तो रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण जब किया जाता है तो वाक्य के तीन भेद होते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में बहुत कम है, कम का मतलब शॉर्ट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो भी आपको फिर वाक्य पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट रूप से ये बता रही हूँ, उसके बाद अपन आगे ये पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा रचना के आधार। अब रचना का मतलब होता है कि वाक्य की जो लिखावट है, यानी वाक्य को अपन किस रूप में लिख रहे हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं, सरल या साधारण वाक्य। रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्न लिखित भेद हैं, नंबर एक है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल वाक्य या सरल वाक्य या साधारण वाक्य। अब देखो इसमें लिखा हुआ है सरल वाक्य, सरल का मतलब एकदम सिंपल वाक्य, सीधा वाक्य। तो जो सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य तो हम इसे कहेंगे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है ना, यानी सरल वाक्य तो हम इसे कहेंगे कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण लिखा था आपको ये समझाने के लिए क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। तो जैसे मैंने लिखा ठीक है, मैंने लिखा सीता खाना बना रही है, तो यहां सीता किसके संबंध में कहा जा रहा है वाक्य में, सीता क्या है सरल, यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य, उद्देश्य कौन सा होगा जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाता है, तो सीता के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है, तो सीता क्या होगी यहाँ उद्देश्य, ठीक है ना। और सीता के संबंध में कहा क्या जा रहा है कि वो खाना बना रही है, तो ये क्या हो गया विधेय है ना, क्यों, क्योंकि एक उद्देश्य और एक ही विधेय जिस सेंटेंस में होगा वो कहलाएगा आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वो कहलाता है सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब हो गया जिसमें एक ही उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य का मतलब है यहाँ भी आपने पढ़ा कि उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण, यहाँ एक ही मुख्य क्रिया है और वो है खाना बनाना, मुख्य क्रिया एक ही चल रही है वो क्या है खाना बनाना। तो जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वो कहलाएगा सरल वाक्य, ठीक है। पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वो होगा जो जिसके लिए वाक्य मतलब सेंटेंस जो है वाक्य जो है वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वो कहलाता है उद्देश्य।
करता है ना, उद्देश्य भी क्या होता है, करता है। तो यहाँ एक करता और एक विधेय होगा, वो कहलाएगा साधारण वाक्य। आगे समझे, अब इसके आगे देखो दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। पहले अपन ने पढ़ा साधारण वाक्य, आगे है आपको समझने साधारण वाक्य को किसे कहेंगे, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वो कहलाता है सरल वाक्य। यहाँ एक ही उद्देश्य साधारण वाक्य है, कि सीता खाना बना रही है, एक साधारण सा वाक्य है, सीता यानी कर्ता जो है वो इस क्रिया को कर रहा है। तो जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया वो है सरल वाक्य, और उद्देश्य वो होगा जो भी साधारण वाक्य का यानी वाक्य का कर्ता होगा, और कर्ता के संबंध में जब उस वाक्य में कहा जाएगा वो कहलाएगा विधेय। इसके बाद है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दूसरा होगा आपका संयुक्त वाक्य। अब देखो संयुक्त वाक्य यहाँ इसमें संयुक्त संयुक्त शब्द आ रहा है, तो हमें पता चला है कि इसमें दो चीजें जुड़ी हुई है। तो दो चीजें कौन सी जुड़ी हुई होगी जिसको अपन संयुक्त कहते हैं, यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो, है ना, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो, जिस वाक्य में वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण जिस वाक्य में दो या दो से अब दो या दो से अधिक दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं साधारण वाक्य हो और अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में समर्थ हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करने में समर्थ तथा संयोजक शब्दों के तथा आपेक्षक वाक्य तथा संयोजक शब्दों से तथा संयोजक तत्वों से संयोजक तत्व कौन से होते हैं, अपन ने लिख तो दिए हैं कि संयोजक तत्वों से जुड़े हो तथा संयोजक तत्वों से जुड़े हो। अब आप यहां लिखे हो संयोजक यानी एक सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो और दोनों ही साधारण वाक्य अपना अर्थ प्रकट करने में समर्थ हो। दो सेंटेंस है वो दोनों ही जुड़े हैं लेकिन किस रूप में जुड़े हैं, संयोजक तत्व से। अब संयोजक तत्व जैसे तथा और किंतु परंतु पर एवं ये सारे क्या है संयोजक तत्व है, तथा है और है किंतु है पर है एवं है ये सारे क्या है संयोजक तत्व है। और इन संयोजक तत्वों की सहायता से दो सरल वाक्य दो या दो से अधिक मान के चलो दो तो नहीं है तो दो सरल वाक्य जब आपस में जुड़ेंगे वो किसकी सहायता से जुड़ेंगे, किंतु परंतु एवं और इनकी सहायता से। तो इनकी सहायता से जुड़कर वो दो वाक्य एक बनेंगे और दोनों ही अगर इस संयोजक तत्व को अपन अलग कर देंगे हटा देंगे बीच में से तो वो दोनों दो स्वतंत्र सरल वाक्य बन जाएंगे। सरल वाक्य समझिए जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, लेकिन जब उसको संयुक्त वाक्य का रूप देंगे तो किंतु परंतु तथा एवं और आदि इनसे अपन जोड़ देंगे और इनकी सहायता से जब वो जुड़ेंगे दो वाक्य तो वो दो वाक्य जुड़कर क्या बन जाएंगे संयुक्त वाक्य। इसलिए उनको क्या कहेंगे अपन संयुक्त वाक्य, क्योंकि वो दो दो सरल वाक्य होंगे और वो तथा परंतु किंतु एवं आदि से जुड़े होंगे। इनकी सहायता से जुड़ने के कारण वो क्या बनेंगे
क्या बन जाएंगे? सरल वाक्य, क्योंकि इनके साथ वो जुड़े होंगे। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ भी सत्य पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, यहाँ था भी लिख सकते हो और पढ़ रहा है भी लिख सकते हो, ठीक है? ये नहीं रहा क्योंकि ये सेंटेंस पूरा नहीं है। अब देखो, अनिल पढ़ रहा है किंतु शाम खेल रहा है, या अनिल पढ़ रहा था किंतु शाम खेल रहा था, ठीक है? तो अब आपने इस सेंटेंस को जोड़ा किंतु परंतु, इसको अगर आप यहाँ से हटाते हो तो ये दो स्वतंत्र वाक्य बनेंगे। अनिल पढ़ रहा है अपना एक स्वतंत्र वाक्य है, इसका उद्देश्य है, और पढ़ रहा है इसका विधेय। ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय, स्वतंत्र वाक्य अपना। इधर ये अपना एक स्वतंत्र वाक्य है, इसमें शाम है उद्देश्य और खेल रहा है इसका हो गया विधेय, ठीक है? तो ये दो स्वतंत्र वाक्य हैं। अपन यहाँ किंतु परंतु तथा और एवं लगा के इस सेंटेंस को जोड़ते हैं। ये अपन ने जोड़ दिया, अनिल पढ़ रहा है किंतु शाम खेल रहा है। तो ये दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ गए। तो जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़कर क्या बनते हैं? संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य तो कहलाते हैं जब वो संयोजक तत्वों की सहायता से जुड़े हो। तो यहाँ संयोजक तत्व है आपका किंतु, ठीक है ना? तो ये है आपका वाक्य का दूसरा भेद। पहला था आपका सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, इसके बाद तीसरा है आपका मिश्र वाक्य, वो भी अपन पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये पहले समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ सरल वाक्य किसे कहेंगे। सरल वाक्य वो होगा जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। एक उद्देश्य यानी कर्ता और दूसरा उसका कर्म, जो वो कार्य कर रहा है उनकी क्रिया का। तो ये है आपका एक सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता यानी एक उद्देश्य और एक विधेय है। दो सरल वाक्य जब आपस में जुड़ के, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब जुड़ के आपस में बनते हैं वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। लेकिन वो जुड़े हुए होते हैं संयोजक तत्वों की सहायता से। जैसे संयोजक तत्व क्या है? तथा है, और है, किंतु है, परंतु है, एवं है, पर है, आदि। ये सारे क्या है? संयोजक तत्व। इनकी सहायता से जुड़कर वाक्य बन जाता है संयुक्त वाक्य। तो अब अपन अगला पढ़ेंगे मिश्र वाक्य, वो हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आप